गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। योर डेज आर गोइंग प्रोडक्टिव एंड यू आर डूइंग एक्सलेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ योर गोल, इन टर्म्स ऑफ योर एस्पिरेशन। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एग्ज़ाम था UPSC कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट मेन्स। इस वीडियो का टॉपिक भी वही है क्योंकि मेन्स का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या चेंज हुआ है, थोड़ा सा एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में क्या सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चंस था कि नहीं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना अटेम्प्ट करना होता है, पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है एंड ये लेके इस वीडियो का जो टॉपिक है वही है। ठीक है, तो मेरे पास ये तीन मेंस के पेपर हैं। आपको पता होगा कि मेंस में तीन पेपर होता है, एक पेपर पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक पेपर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का, एक पेपर ऑर्गेनिक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, तो ये मिला के टोटल 200 × 3 600 मार्क्स का एग्ज़ाम है एंड हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको, हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। जो आंसर बुकलेट होता है वहाँ पर ही आपको आंसर करना होता है, एक क्वेश्चन के नीचे सफिशिएंट स्पेस छोड़ा हुआ होता है, वहाँ पर ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर आपने गलत कर दिया तो गलत, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा। ओके, तो इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर, मुझे जो लगता है। एंड डिफ़िकल्टी इन द सेंस, एक पेपर तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, जो पेपर इजी है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। जो फिज़िकल का पेपर था इस बार, उस फिज़िकल के पेपर में लगभग क्वेश्चन सारे सिलेबस से ही था, बट उसमें जो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ सकता है, वो आ गया 5 मार्क्स का। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको अगर याद है तो आप लिख पाओगे, आपको अगर याद नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे, दैट्स इट। तो ये जो प्रिपरेशन है ना, इसमें आपका रिकॉलिंग पावर का भी एक बड़ा टेस्ट है ये, क्योंकि आपको एसेंस समझ में आता है आप आंसर कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे सपोज एक क्वेश्चन आया कि राइट द बेट इक्वेशन, BET एड्सॉर्प्शन पे आप पढ़ते हो ना, तो ये जो बेट इक्वेशन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा एंड उसका जो टर्म्स है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड बेट इक्वेशन जो है ये काफ़ी बड़ा इक्वेशन है। ठीक है, तो उस इक्वेशन को इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्जाम के टाइम पे आपको याद होगा, उतना बड़ा इक्वेशन एंड उसमें बहुत ज़्यादा बहुत कुछ टर्म्स है, उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है इस बार, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल लिया क्योंकि मुझे याद नहीं था। ठीक है, बेट एक्सप्रेशन ये जो है ये मुझे याद नहीं होता, ये एक ऐसे एक्सप्रेशन है, आई कांट रिमेंबर दिस, आई ट्राइड बट एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यू नो, प्रिपरेशन इतना बढ़िया तरीके से आपका होना चाहिए, सिलेबस में दिया गया हर एक की पॉइंट का हर एक डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम पेपर डिस्कस करते हैं। मेरे पास तीनों पेपर है, आपको अगर देखना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको मिल भी सकता है, अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर देना, मैं स्कैन करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो पेपर वन जो है इसमें ना एक थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, तो ये भी पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक पेपर में ये इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। कुछ पेपर में 3 सेक्शन है, 3 में से सपोज पहला सेक्शन में से 2 करना कंपलसरी, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन 2 और 3 में से 1 करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा घुमा के ना इसका इंस्ट्रक्शन है, तो बहुत बारीकी से इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो पेपर 1 है, मैं इसका इंस्ट्रक्शन आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, पेपर 1 यहाँ पर है। ठीक है, पहले लिखा गया है कि देयर आर 11 क्वेश्चंस डिवाइडेड इन 6 सेक्शंस, टोटल 6 सेक्शन में क्वेश्चंस आंसर बुकलेट आपका होगा, उसमें टोटल 11 क्वेश्चंस है। कैंडिडेट हैड टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन एट ऑल, 11 में से 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आउट ऑफ देयर आर ओनली द ओनली क्वेश्चन इन सेक्शन ए इज कंपलसरी, सेक्शन ए का क्वेश्चन कंपलसरी है। ओके, आउट ऑफ द रिमेनिंग 10 क्वेश्चन, सेक्शन ए का तो कंपलसरी हो गया, टोटल 11 क्वेश्चन था, सेक्शन ए वाला वो कंपलसरी हो गया, तो बाकी जो 10 क्वेश्चंस है कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट 5, बाकी क्वेश्चंस में से बाकी जो 10 क्वेश्चंस है उसमें से कैंडिडेट को 5 अटेम्प्ट करना है, टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है, 6, बट
क्वेश्चन सेक्शन ए में वो कंपलसरी है, तो ये वाला आपको, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा. ओके, चूजिंग वन फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शन बी सी डी ई एफ. टोटल 6 सेक्शन है, ए बी सी डी ई एफ. जो सेक्शन ए है वो कंपलसरी है, सेक्शन ए में जितना क्वेश्चन होगा वो आपको कंपलसरीली अटेंड करना है. एंड बी सी डी ई एफ इस सेक्शन में, हर एक सेक्शन में दो दो क्वेश्चन है, दो सेट ऑफ क्वेश्चन है. एक सेट ऑफ क्वेश्चन में सपोज 5-6 क्वेश्चन है, सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन में और 5-6 क्वेश्चन है, तो आपको एक स्ट्रीम चूज करना है. ठीक है, तो ऐसे करके टोटल आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो हर एक पेपर में ये इंस्ट्रक्शन ना काफ़ी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग था, क्योंकि कंफ्यूजिंग में इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी तो मैं फ्रेश माइंड में बैठ के पढ़ रहा हूँ, बट एग्जाम टाइम में ना तो एंग्जाइटी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे बहुत ध्यान से देखना होता है. एक गलत कर दिया ना आपने तो पूरा पेपर चौपट हो जाएगा आपका. एंड एक पेपर आपका गया तो सिलेक्शन गया आपका. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन था. इनऑर्गेनिक पेपर में बोलूँगा काफ़ी इजी है, इनऑर्गेनिक पेपर इजी है. इनऑर्गेनिक पेपर में एक सेक्शन होता है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, वहाँ से जो क्वेश्चन आया है वो थोड़ा डिफिकल्ट आया है, बाकी सब जगह से क्वेश्चन इजी आया है. ओके, एंड जो, हाँ, कुछ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है. जो टाइट्रेशन वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आया है इनऑर्गेनिक का, यही है. ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया है एंड न्यूमेरिकल भी है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी है. मैचिंग मैच इन द कॉलम है, और एक एक टाइप के क्वेश्चन है जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में बीच बीच में वो अंडरलाइन कर देगा कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर क्या होगा. ठीक है, वो हम एटॉमिक नंबर मास नंबर ऐड करके ऐसे करते हैं ना, टोटल रिएक्टेंट के साइड में प्रोडक्ट के साइड में एटॉमिक नंबर का सम इक्वल होना चाहिए, मास नंबर का सम भी इक्वल होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट यूज करके करते हैं हम. राइट, एक क्वेश्चन में दिखा भी देता हूँ आपको ऐसे. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस. चलो, और एक क्वेश्चन आया है कि जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो सपोज ईडीटी एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कौन से मेटल को अच्छे से कॉम्प्लेक्सेट करता है, इसका एक फिलिंग मैच इन द कॉलम आया है. तो ये ना आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल ग्रेजुएशन के बुक्स में और पोस्ट ग्रेजुएशन के नॉर्मल प्रैक्टिकल से बुक में ये सब होता ही नहीं है, नॉर्मल थियोरीज होता है एंड ऊपर ऊपर से लिखा हुआ था, इतना डिटेल में नहीं होता कि कौन सा एग्जैक्ट मेटल के लिए हम कौन सा एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्सेटिंग एजेंट चुने. आप अगर भोगेल में भी देखोगे ना, भोगेल क्वांटिटेटिव, यस, भोगेल्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वहाँ पर भी 3-4 वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का नाम है, उसके करस्पॉन्डिंग ए सेट ऑफ मेटल्स दिया हुआ है. ठीक है, बट यहाँ पर आपको स्पेसिफिक बताना होगा कि कौन से स्पेसिफिक मेटल के लिए कौन से स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट चाहिए आपको. ठीक है, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन पे क्वेश्चन आया है, ऑर्गेल डायग्राम पे क्वेश्चन आया है, इजी क्वेश्चन है. ठीक है, अगर अच्छे से ऑर्गेल डायग्राम आपको पता हो एंड कुछ कुछ स्पेशल जो कॉम्प्लेक्सेस होता है, ठीक है, सब तो हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स होता है जो कि स्पेशल, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम्स में, नॉट ओनली इन जियो साइंटिस्ट बट अदर रिलेटेड एग्जामिनेशन, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स का जो ऑर्गेल डायग्राम एंड उसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. तो वैसे वहाँ से भी एक कॉमन क्वेश्चन आया था, तो ये काफ़ी अच्छा था, पेपर वन हो गया हमारा. ठीक है, सेकेंड पेपर एक मैं बता देता हूँ. नॉर्मली जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है आपका सुबह 9 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 8 बजे से पहले पहुँच जाना है, 8:30 में गेट क्लोज हो जाता है एट एनी कॉस्ट, आपको 8:30 के बाद एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगा. ओके, 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट, 12 बजे, 12 PM ख़त्म एग्ज़ाम, उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर आना पड़ता है 2 घंटे के लिए. नेक्स्ट एग्ज़ाम 2:30 से स्टार्ट होता है, ईयर टू ईयर इट मे वेरी, 2 PM से भी स्टार्ट होता है, 2:30 से भी स्टार्ट होता है. सो इस बार जो है ये 2:30 से स्टार्ट है, 2:30 to 5:30. एंड मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा जो आंसर बुकलेट था पेपर वन में, उसमें 68 पेजेस था, 68 पेजेस. आपका हैंड राइटिंग, अच्छे हैंड राइटिंग के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड होना उसमें बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे.
बहुत ज़्यादा पेजेस आपको लिखना है, टोटल 68 पेज है, बट सब पेज नहीं लिखना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ना भी है, बट बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है कि इसकी इसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एंड ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, चलते हैं सेकेंड पेपर पर, इसका इंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 15 क्वेश्चन डिवाइडेड इन थ्री सेक्शंस, तीन सेक्शन है ए बी सी, उसमें टोटल मिला के 15 क्वेश्चन है। कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट 10 एट ऑल, 15 में से टोटल 10 करना है। द ओनली क्वेश्चन इन सेक्शन ए इज कंपल्सरी, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो कंपल्सरी है। इन सेक्शन बी 6 out of 9 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड, टोटल सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन है उसमें से 6 क्वेश्चन एनी 6 यू कैन अटेम्प्ट। इन सेक्शन सी 3 out of 5 यू हैव टू अटेम्प्ट, सो 5 क्वेश्चन है उसमें 3 अटेम्प्ट करना है। ये काफ़ी सिंपल इंस्ट्रक्शन है, राइट? ओके, तो इसमें भी इजी क्वेश्चन था, बट फिजिकल पेपर बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी था। एक क्वेश्चन में जहाँ पर आप 2 पेज लिख सकते हो ना, उस क्वेश्चन पे अगर आपको 5 मार्क्स दे दे या उससे भी कम, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? क्वांटम से अच्छा क्वेश्चन था, नॉर्मली बेट इक्वेशन लिखने के लिए बोला था ये क्वेश्चन था, मिलर इंडिसेस था, मिलर इंडिसेस सॉलिड से, मिलर इंडिसेस से क्वेश्चन आया था, टाइट्रेशन से क्वेश्चन था, जो फिजिकल में जो टाइट्रेशन हम पढ़ते हैं। क्वांटम से ऑपरेटर को प्रूफ करने के लिए बोला था कि IDDX ये हर्मिशियन है, बट DDX हर्मिशियन ऑपरेटर नहीं है, ठीक है? स्ट्रोक रमन से क्वेश्चन आया था, स्ट्रोक सीरीज, एंटी स्ट्रोक सीरीज, कार्बन डाइऑक्साइड का आया था। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया था, कॉम्यूटेटर का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बोला था, XDDX कॉम्यूटेटर का जो वैल्यू है वो क्या है। प्रूफ के लिए क्वेश्चंस था, बॉइलिंग टेम्परेचर का जो A/RBTB = A/BR, ये क्वेश्चन का जो प्रूफ है ये करने ये आया था, ठीक है? एक क्वेश्चन आया था वैंडरवाल गैस पे, रियल गैस पे ना काफ़ी क्वेश्चंस आए, जो विरियल कोफिशियंट है, विरियल कोफिशियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, विरियल कोफिशियंट का एक्सप्रेशन क्या है, वहाँ से कैसे बॉयल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन डिराइव होता है वो, फिर वैंडरवाल कॉन्स्टेंट जो ए बी है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आया था, ठीक है? ऐसा ऐसा काफ़ी क्वेश्चन था। फिर जो KP KC KX इसका क्वेश्चन आया था, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं देखा था, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड बहुत इजी है। KP KC KX का रिलेशन डिराइव करना है, ये इजी है, राइट? बोला था कि कौन सा कंडीशन ऐसा है कि KP KC KX इक्वल हो जाता है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? सोचना आप, सोच के कॉमेंट में बताना कि वट इज़ द कंडीशन वेन KP KC KX इसका वैल्यू इक्वल होता है। अभी कमेंट में आप लिखो, टाइप करो, बताओ मुझे, ठीक है? ओके, नाउ फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट केमीज़ॉर्प्शन इंक्रीजेस, ये अच्छा क्वेश्चन था। डिटर्जेंट ऐड करने पर सरफेस टेंशन का क्या चेंज होता है एंड क्यों होता है वो, ठीक है? एंड जो फोटोकेमिस्ट्री का फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल एंड जो फोटोकेमिकल एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन, उससे जो क्वांटम यील्ड का डेरिवेशन है वो तो थियोरेटिक, क्योंकि ये जो आप नेट गेट में प्रिपरेशन करते हो ना, नेट गेट वगैरह इस सब एग्जाम में ये सब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल को लेकर वहाँ पर फोटो स्टेशनरी स्टेट में जाकर वहाँ पर डिसोसिएशंस, HI2 का डिसोसिएशन, HI का फॉर्मेशन, ये सब जो रिएक्शन है, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसका काइनेटिक्स एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ये नॉर्मली नेट गेट में नहीं आता उतना, ठीक है? तो ये था अपना फिजिकल पेपर, ठीक है? लास्ट पेपर एंड सबसे खतरनाक पेपर, ऑर्गेनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल। ऑर्गेनिक में ऐसा क्वेश्चन आया ना, 2 क्वेश्चन ऐसा है कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा देकर आपसे पूछा गया है कि कंपाउंड क्या है, एंड ये आप प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हम स्कूल में या कॉलेज में जो जैसे लिखते हैं ना, एक जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा होता है उसमें 500 तरीके की डाटा होता है, यूवी का डाटा, एनएमआर का डाटा, कार्बन एनएमआर का डाटा, आईआर का डाटा, एंड वो सारे डाटा को देखकर हम कंपाउंड प्रेडिक्ट करते हैं। वो तो हमारे दिमाग में चलता है हम क्या सोच रहे हैं, बट यहाँ पर आपको वो लिखना पड़ेगा, 2 पेज आपको जगह दिया हुआ है, तो आपको हर एक बात, हर एक डाटा देखकर आप जो सोच रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि 2250 सेमी इनवर्स में आईआर का पीक आया है, इसका मतलब यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N ये प्रेजेंट हो सकता है, एंड कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, इसीलिए
सी ट्रिपल बॉन्ड ए नहीं होगा, इसीलिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, एंड हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से आप जो कंक्लूड कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टमेटिकली। ये पहले से प्रैक्टिस ना हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा आपको, क्योंकि वहाँ पर आप रफ तरीके से करने का, हमारा जो प्रैक्टिस रहता है ना नेट गेट टाइप एग्ज़ाम में, रफ में थोड़ा सा कर लेते करके एग्ज़ाम में यू नो आंसर में आ जाते हैं। ऐसा तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस था, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस था कि कंपाउंड ए दिया गया है, कंपाउंड बी सी डी यहाँ से प्रिपेयर करो, ठीक है। सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर में, जो अपना इनऑर्गेनिक के सिलेबस में बायो इनऑर्गेनिक वो सिलेबस में नहीं है अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखोगे, बट वहाँ से हीमोग्लोबिन से एक क्वेश्चन आता है। ओके दैट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि मुझे आता था। ओके बट ये थोड़ा सा बेसिक भी देख के जाना है, क्योंकि अगर आप आर्ग्यू करोगे यूपीएससी के साथ वो बोलेगा कि ये क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेशन से रिलेट करके बता देगा वो, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री में हर एक फील्ड ना एक से एक रिलेटेड है। अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है और ये सिलेबस में नहीं था तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि वो उस चैप्टर से नहीं है, वो इस चैप्टर से है। अब ऐसे सोच सकते हो, सो दैट्स द गेम। ओके कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि प्रीवोस्ट मेथड, वुडवर्ड मेथड, ये जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है आपको ग्रेजुएशन में कराया जाता है, मास्टर्स में कराया नहीं जाता, वहाँ से क्वेश्चन आया था। फोटोकेमिस्ट्री का अच्छा खासा क्वेश्चन आया था, कुछ कुछ रिएक्शंस था अपना क्या बोलते हैं उसको, राइमर टीमेन रिएक्शन से क्वेश्चन आया था, ओजोनोलिसिस से क्वेश्चन आया था, जो नॉर्बोरानिन सिस्टम जो है, जो ब्रिज सिस्टम 2-2-1 ब्रिज सिस्टम, 2-2-1 ब्रिज एंड 2-2 ब्रिज सिस्टम तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, चेयर सिस्टम, डेकलिन सिस्टम, 2-2-1 ब्रिज, 2-2-2 ब्रिज, ये सारे सिस्टम में जो अटैक्स होता है, वेदर इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक अटैक और इट इज़ SN2 और इट इज़ इन कार्बोनिल फॉर्म, कहाँ से अटैक होगा, क्या प्रोडक्ट होगा, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए पूरा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आया था, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया था, मास फ्रैगमेंट से बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया था, मास फ्रैगमेंट से चार कंपाउंड दिया गया था, इसमें से एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कौन सा किया जा सकता है एंड क्यों, दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये देखो ये वाला चार जो कंपाउंड है, ये चार कंपाउंड, इनमें से मास फ्रैगमेंट, ठीक है, मास फ्रैगमेंट मतलब से किसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसमें एक ही होगा जिसमें मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ये वाला, इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये तो देख के ही हो जाता है इस कैरेक्टर से। ओके एक कंपाउंड का सिंथेसिस था, कुमारिन कंपाउंड का सिंथेसिस जो मैंने ग्रेजुएशन पे किया था, मुझे बहुत बढ़िया लगा था, पार्किन सिंथेसिस से क्यूमारिन कंपाउंड सिंथेसिस, जो कि एक बायोलॉजिकल, जो कि एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, 8-hydroxy कुमारिन, ये जो कंपाउंड है, तो कुमारिन दो टाइप का कुमारिन डेरिवेटिव दिया गया था, उसका सिंथेसिस लगभग इजी था, ऑर्गेनिक बहुत इजी था, ठीक है। एंड मैं बताता हूँ, ये जो तीन पेपर है मैं एनालिटिकल पढ़ के नहीं गया था, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो ज़्यादातर इंक्लिनेशन है इट्स टूवर्ड टीचिंग, ओके बट ठीक है दे देते हैं एग्ज़ाम, तो इसलिए मैं गया था। तो ये जो ऑर्गेनिक पेपर है, जो फिजिकल पेपर है, जो इनऑर्गेनिक पेपर है, ये पेपर अच्छा था, बट जो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन था वो मैं अच्छे से नहीं पढ़ के गया था, इसलिए वो पेपर मेरा अच्छा नहीं गया। बट ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल है, ठीक है, ऑर्गेनिक में से, ऑर्गेनिक में तो बहुत सारे एक्सेप्शन से, बहुत सारे रिएक्शन से, मेरे नोटबुक से उठा के 5-6 क्वेश्चंस मेरे नोटबुक से, डिटो नोटबुक से उठा के आया है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सोर्स फॉलो करके, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन ज़्यादातर बुक्स ओरिएंटेड था। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मेरे रूम पे, ये जो ऊपर आप देख सकते हो ना, ये पूरा बुक्स है पूरा। एंड और एक रूम भी है साइड में, जो जहाँ पर रैक सिस्टम करके वहाँ पर भी बुक्स है। तो मेरा जो भी, मैं मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा जितना भी प्रिपरेशन रहा था वो सारे बुक्स ओरिएंटेड था। अगर आप मुझसे क्वेश्चन को लेकर बहस करोगे ना, तो मैं बता दूंगा कि इस बुक से वो क्वेश्चन है, आप उस बुक में जाके देख लो, ठीक है,
मैं रेफरेंस दे दूंगा। एंड ये सिमिलर थिंग फॉलो हुआ था आईआईटी में एक इंसिडेंट में, एक बार एक क्वेश्चन को लेकर बहस हो गया था। मैं अपना देखे आया था कि वाई आर शर्मा, ये जो बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इस बुक में यहाँ पर ये दिया हुआ है, दैट्स इट। तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड होता है क्योंकि आपने ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा है, ठीक है। जो भी हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जितना थोड़ा सा नोट बनाया था, जहाँ से मेरा नोटबुक से ऑर्गेनिक में ही 6-7 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, एंड बाकी फिजिकल इनऑर्गेनिक में तो है ही, ठीक है। एंड वो इसीलिए मैं इजी बोल रहा हूँ उसको, है ना। जो भी एनालिटिकल का ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने एनालिटिकल ज़्यादातर छोड़ ही दिया, ठीक है। तो यही है, आपको सिर्फ इंग्लिश में ही आंसर करना है, हिंदी में आंसर करने का कोई स्कोप यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है आंसर आपको इंग्लिश में ही करना है, ठीक है। तो यही है, ये थोड़ा सा रिव्यू था यूपीएससी जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम इस बार कैसा गया है। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ तो पेपर वन पेपर टू, दैट मीन्स इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ईजी था। इनऑर्गेनिक ईजी था बट क्वेश्चंस लेंदी नहीं था, टाइम में कंप्लीट किया जा सकता था, बट फिजिकल में कम मार्क्स में ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है। तो पेपर बहुत लेंदी था एंड इजी था। ऑर्गेनिक बहुत इजी था, एनालिटिकल बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आप इनऑर्गेनिक को मॉडरेट भी मान सकते हो, इजी टू मॉडरेट, बट फिजिकल इजी था, ऑर्गेनिक इजी था। ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन तो मैंने सिले मिस्टेक कर दिया। जो भी हो, तो ऐसा ही है पेपर। तो जो भी लोग फ्यूचर में सोच रहे हो कि ये इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो बहुत कुछ भाई करने को है, क्योंकि पहले तो प्रीली क्वालिफाई करना है ना, जीएस में कितना सारा सिलेबस है, उसके बाद जो केमिस्ट्री पेपर है 300 मार्क्स का, वो बहुत अच्छे से करना होगा आपको, ठीक है। एंड आई एम थिंकिंग समथिंग फॉर यू, आई विल लेट यू नो लेटर। थैंक यू। हैव यू एनी क्वेश्चंस? आई हैव नो। If you have any questions, comment below. Thank you.